तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो आपको ऊपर लिंक मिल रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से टैप करके आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, देन आप इसको देखें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। काफी जंगल है, जंगल को साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेफ्टी के लिए हमने डंडा ले लिया है, जो कि हमारे भैया साहब लेकर चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं, यही वो जगह है जिस जगह पे हम बैठे हुए थे और पूजा कर रहे थे। पूजा करने के तुरंत बाद हमारे भैया जो थे उनको झटका लगा, और झटका लगने के बाद वो हमारे साथ कुछ अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो मैं डर गया था, अचानक इनके साथ क्या हो गया। जीव न त्यों करके हमने अपने आप को मतलब रोका, और फिर हम जैसे आगे बढ़े, आप दिखा सकते हैं कैमरा मैन साहब, आप वहाँ दिख रही है लाइट, आप देख सकते हैं वो जो आपको झाड़ी दिख रही है। हम जैसे हम उस झाड़ी के पास पहुंचे, अचानक मेरे पेट में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। एक्चुअली मेरे पेट में काफ़ी पहले से दर्द हो रहा था, बट मैं अपने आप कंट्रोल कर रहा था। बट वहाँ जाते जाते मेरे को आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैं वहाँ गिर गया। जैसे मैं गिरा, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई, और मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं ठीक हुआ, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी गले में दिक्कत है, बट आई विल मैनेज। तो चलिए सबसे पहले हम इस जगह पे पहले घेरा बनाएंगे ताकि हम इस जगह से बचे रहें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले हमारे भैया को झटका लगा था। क्योंकि इससे पहले तो हम सेफ थे, और आज हमें सेफ रहना है। क्योंकि देखो यार, अगर हमारी ज़िंदगी रहेगी तो यार सबकी ज़िंदगी प्यारी होती है, तो मुझे भी मेरी ज़िंदगी प्यारी है। तो सबसे पहले हम इस जगह को गोला करेंगे। तो एक लोग आइए, इस जगह को थोड़ा घेर, इसको घेर दीजिए, चलो थोड़ा अच्छे से घेर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो हमने इस जगह को घेर दिया है, अब हम थोड़ा जानेंगे बाबा से भी कि क्या बाबा हम इधर ही से चलेंगे या कोई और जगह चूज करेंगे वहाँ से चलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी सेफ्टी के लिए, देखो यार फर्स्ट पार्ट में भी हमने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लोग रखे थे, और सेकेंड पार्ट में हमने कुछ ज़्यादा लोग रखा है, इसलिए ताकि हमें डर ना लगे। क्योंकि आज हमें वहाँ जाना है, उस लोकेशन में, कैमरा मैन साहब टॉर्च उधर फोकस करिए, हमें वहाँ जाना है। वहाँ जाने का मतलब पता है क्या है? वहाँ जाने का मतलब मौत से लड़ना, और अगर हमारी ज़िंदगी रहेगी नहीं तो हम आपको वहाँ दिखा नहीं सकते। इसलिए मैं इतना पहले पार्ट में डर चुका था कि मैं क्या बताऊँ, मेरी हालत इतनी गंभीर थी। तो इसलिए अपने आप को सेफ्टी करने के लिए मैंने कुछ लोगों के साथ आया हुआ है, तो सभी लोग तुरंत इस साइड आ जाइए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ लोग हमारे साथ आए हुए हैं ताकि हमें डर ना लगे, और ये हमारे साथ रहेंगे तो हमारा साथ देंगे। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, यही वो भैया थे जो कि उस दिन डर गए थे, और इनकी वजह से मैं भी डर गया था। तो भैया आप हमको ये बताइए, आप उस दिन तो काफ़ी डर गए थे, आपकी वजह से मैं भी डर गया था, तो आज आपका कॉन्फिडेंस कैसा, आप दोबारा से क्यों आए हैं, आपको क्या लगता है डर आज होगा आपके साथ, कुछ हो सकता है आपके साथ? कुछ होगा तो नहीं, बाबा का वो बोले थे कि चलो आज कैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उस दिन तो विश्वास करके चले आए थे, उस दिन झटका लग गया था यार, क्या बताएं। मतलब आज तुम लोग बोले थे कि भाई जबरदस्ती बोले थे चलो चलो चलो, देखो आज तुम लोग समझना अगर नहीं। नहीं बिल्कुल, देखिए हम लोग साथ दिक्कत तो हुई थी, बट बाबा हमारे साथ थे तो हम सब सेफ थे, और हमें लगता है बाबा आज भी हम लोग के साथ हैं, हाँ, तो हम सेफ हैं, इसीलिए तो आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारे साथ दिखा सकते हैं कैमरा मैन साहब, ये देखिए कुछ यहाँ पे लाठी है, कुछ डंडा है, देख सकते हैं ये चीज़ है, ताकि थोड़ा आप बताएंगे ये डंडा कह लिए आप लेकर आए हैं? हम लाए हैं इसको इसलिए इसमें लुकार बांध के, अच्छा डराने के लिए, अच्छा लुकार बांध के मतलब इसको डराने के लिए, डराने के लिए। चलिए ठीक है, बाकी जंगल झाड़ी भी है तो शायद हो सकता है आप इसे साफ भी करें। बिल्कुल। तो अब हम इस जगह की पूजा करने वाले हैं, ये चीज़ हम बाबा से पूछेंगे कि बाबा हम इसी जगह पूजा करेंगे कहीं और पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बाबा को बुलाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे देव बाबा साहब कहाँ पे हैं, थोड़ा आने की यहाँ कोशिश करिए और हमें बताइए कि बाबा जी। हाँ तो बाबा जी सबसे पहले आपको हम प्रणाम बोलेंगे। तो बाबा जी हमें ये बताइए, हम इसी जगह से पूजा करेंगे या फिर अनदर जगह से पूजा करेंगे, क्योंकि ये जगह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हुई थी और हमारी जान बहुत प्यारी है, सही बताया था आपको बाबा? नहीं नहीं, पूजा यहीं करेंगे, इसी जगह से पूजा करेंगे, पूजा यहीं करेंगे, और अच्छा। पूजा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा, क्योंकि आगे हम उस दिन लोकेशन पर नहीं जा पाए, अच्छा, आपकी दिक्कत हो गई थी, आपको पेट में दर्द हो गया था, अच्छा, तो आज हम उस लोकेशन पर चलेंगे और सबको दिखाएंगे, आपको सारे लोगों को दिखाएंगे कहाँ क्या क्या घटना हुई थी, अच्छा, आज हम आगे चल के बताते हैं आपको। तो पहले हम पूजा कर लेते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ अगरबत्ती दे दो और माचिस लाओ, हाँ ये यही पूजा करते हैं, बैठो साइड बैठो। तो सबसे पहले हम बैठ जाते हैं, हाँ। बाबा मुझे इतना डर लग रहा है, काफ़ी चीज़ अपने हाथ में रखा हुआ लोहा है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि लोहा अगर पास में रहेगा तो थोड़ा बहुत मतलब आत्मा आपके पास है, बट वैसा नहीं होता है। अच्छा अब तो आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, पूछे हो जाए और पूजा जी जी, तो पूजा करेंगे। तो अब हम पूजा करने वाले हैं, तो बाबा जी चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा।
तो फाइनली गाइज हम लोग की पूजा समाप्त हो चुकी है। अब हम चलने वाले उस लोकेशन पे जो लोकेशन पहली वीडियो में अधूरा रह चुका था, और वहाँ जाने का मतलब है कि बहुत मतलब रिस्की इलाका है। बाकी आप टाइमिंग देख सकते हैं, एक्चुअली आप आपको समय में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 11:23 में लमसम जो टाइमिंग पहले वीडियो का था वही टाइमिंग आज भी है। तो आज हम वहाँ चलने वाले हैं, काफ़ी रिस्की है। तो क्या बाबा कुछ कहना चाहेंगे कि तुरंत चलें? नहीं, चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं जो उस दिन आप लोग उस दिन तो देख नहीं पाए थे, बट आज हम सारे दिखाते हैं। तो चलिए गाई चलते हैं, अब यहाँ से उठते हैं, पूजा यहाँ अगरबत्ती लेंगे कहीं रहने देंगे? नहीं नहीं, अगरबत्ती नहीं रहने देते, आगे हम चलते हैं। हाँ तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आए कि आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको रियलिटी पता दूर रहिएगा, आपको रियलिटी पता चलेगा इस वीडियो का, इस लोकेशन का आपको रियलिटी पता चलेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये फ़ोन आप पकड़ लीजिए, इसका फ़ोन चलिए बाबा चामुंडा। तो फाइनली गाइज हम अपने लोकेशन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जंगल झाड़ी काफ़ी ज़्यादा है, और हमें आगे चलने। अरे बाबा ये क्या दिख रहा है? ये टॉयलेट है। टॉयलेट है तो पीछे जस्ट एक कुआँ है, जो कि अपना सबसे खतरनाक लोकेशन है, मतलब सबसे खतरनाक जगह हुआ। इसके पीछे ही है कुआँ है, जिसमें अभी हाल ही में एक बच्चा कूद के जान दिया था। तो बाबा आप सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं, रियल में है। अभी हम आपको दिखाते हैं आपके लिए। तो उधर क्या करने जाएंगे? उधर क्या करने जाएंगे? नहीं नहीं, आपको दिखाएंगे, कुछ होगा नहीं, डरना डरो मत, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। उसमें ये दिखाएंगे कि जो बच्चा मरा था उसको हम अभी निकाले हैं, तो शायद रस्सियों से उसमें पड़ी हुई है, तो आपको दिखाएंगे। आपको ये विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हुआ है। यार तो हम क्या लेंगे? नहीं चाकू दे, अरे डरो मत, मेरे पास कुछ नहीं, डरो मत। आप चलते हैं आगे, इधर दिखाते हैं आपको। चलिए आप आगे आइए बाबा। बाबा एक घंटा ले लीजिए आपसे, लेकर घंटा लेंगे तो जंगल झाड़ी सांप भी आ सकता है ना। मान लीजिए हम शूज पहन के आए तो थोड़ा बहुत डर लगेगा ना। मान लीजिए अगर वो ना आए तो सांप भी तो आ सकता है ना। एक घंटा ले लीजिए आप थोड़ा। इतना रिस्क हम लोग क्यों ले रहे हैं? देखो भैया अभी तक तो मैं थोड़ा बहुत सेफ लग रहा है मेरे को, यानी आगे अरे कुछ नहीं होगा। बाबा हमारे साथ हैं तो थोड़ा बहुत भरोसा है। लोकेशन में देखा रोंगटा है खड़ा हो गया, बहुत सारे लोकेशन थे, बहुत सारे आगे तो भी बहुत सारे जंगल है। बाबा भगा जा रहा है। बाबा ये क्या है? इसमें क्या दिख रहा है? ये देखो ये टॉयलेट है, यहाँ पे देखिए अंधेरे में हम नहीं जा सकते, किसी के अंदर भी जा सकते, यही पास में कुआ है, आपको दिखा भी सकते हैं। जरा वो लाइट दिखाइए, हाथ पकड़ लीजिए। हाँ भाई दिखे रन। यहाँ पे पास में कुआ है, क्योंकि इस पर से बच्चा अभी हाल ही में कूद के जाए, काफ़ी दिन से परेशान था वो, रोज़ यहाँ आके बैठता था, दिन में भी रात में भी चला आता था, काफ़ी दिन से परेशान थे बट कुछ कर नहीं पाते थे। जब वो मरने के बाद उसका एक दोस्त था, वो बताया कि वो रात में किसी से यहाँ बातें करने आता था। रात में किसी बातें करने आता था? हाँ, रात में कोई लड़की थी जिससे बातें करना आता था। वो बताया था कि उसके घर पे बोला था कि मुझे पता नहीं था कहाँ की लड़की है, कैसी है, मैं नहीं जानता, बट वो यहीं रहती है। तो इधर बहुत काफ़ी दिन से लोग नहीं आते हैं, तो यहाँ कौन आएगा? तो अकेले आता था, उसके पिताजी एक दिन डांट दिए थे रात में कि अगर उधर ही जाना है तो उधर ही जाना। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी, कुछ था होगा अभी, कुछ था, मैं कभी कुछ देखा पा थोड़ा प्लीज। बाबा प्लीज बाबा बाबा प्लीज बाबा बाबा प्लीज बाबा बाबा सुबह पानी जाएगा तो उठाओ उठाओ, मैंने पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ उठाओ उठाओ पानी आने से ले लेंगे। अरे कुछ नहीं पानी उठे उठे भाई। मुझे लगा है कि पानी पानी
क्या हुआ भाई? बाबा पानी पानी लाओ यार। उसको बोल रखे मंदिर से पानी लेके आते खींचो खींचो खींचो।